ज्ञान व्यापी मामले पर अखिलेश यादव बोले, कहीं भी पत्थर रख दो, लाल झंडा रख दो, मंदिर बन गया। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने हिंदू देवी देवताओं को लेकर अयोध्या में ऐसा बयान दिया है जिस पर विवाद हो सकता है। ज्ञान व्यापी मस्जिद को लेकर 1991 में संसद द्वारा पारित कानून का हवाला देते और सर्वे रिपोर्ट के लीक होने पर सवाल उठाते अखिलेश यादव ने सीधे सीधे हिंदू धर्म, संस्कृति और देवी देवताओं को लेकर विवादित बयान दे दिया है। सिद्धार्थनगर से वापस लखनऊ लौटते समय अखिलेश यादव कुछ देर के लिए अयोध्या में रुके। इस दौरान पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर हमला करते हुए कहा कि हमारे हिंदू धर्म में कहीं भी पत्थर रख दो, एक लाल झंडा रख दो, पीपल के पेड़ के नीचे और मंदिर बन गया। अखिलेश यादव ने ज्ञान व्यापी मस्जिद में शिवलिंग मिलने के दावे वाले सवाल पर कहा कि एक समय ऐसा था कि रात के अंधेरे में मूर्तियां रख दी गई थी। बीजेपी कुछ भी कर सकती है, बीजेपी कुछ भी करा सकती है। जनता पार्टी आगे बढ़ा रही है, समाज को कैसे बांटा जाए, समाज में कैसे नफरत हो और जो विपक्ष के लोग हैं उनके बीच में एक दूसरे से कैसे दूर किया जाए, इसी रणनीति पर लगातार भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। जहां तक धार्मिक स्थानों का सवाल है, पहले से जो एक्ट बना है 1991 एक्ट की परवाह नहीं है भारतीय जनता पार्टी को। जिस समय सुप्रीम कोर्ट में फैसला हुआ उसमें जो बात रखी गई उस पर परवाह नहीं है भारतीय जनता पार्टी को। भारतीय जनता पार्टी जानती है कि बुनियादी जो सवाल हैं उन पर अगर चर्चा होगी तो भारतीय जनता पार्टी का सफाया हो जाएगा। जिस तरीके से चुनाव के बाद डीजल पेट्रोल महंगा हुआ है, स्टील महंगी हुई है, सीमेंट महंगा हुआ है, खाने का तेल महंगा हुआ है, हर चीज़ की महंगाई बढ़ रही है, जो हमारा यूथ है, नौजवान पढ़ा लिखा बेरोजगार है, आगे कैसे पढ़े या रोजगार पाए, नौकरी मिले, वो भी अभी सरकार उस दिशा में काम नहीं कर रही है। बड़े बड़े सपने सरकार ने दिखाए थे कि इन्वेस्टमेंट आएगा, इन्वेस्टमेंट के बहाने इतने रोजगार और नौकरी निकलेगी, तो इन सवालों का जवाब न देना पड़े इसीलिए भारतीय जनता पार्टी जानबूझ करके स्मोक स्क्रीन एक ऐसा पर्दा डालती है जिससे अपनी कमियों को छिपा ले। और जो बनारस का मामला चल रहा है उसके पीछे जानबूझ करके भारतीय जनता पार्टी है, क्योंकि उसे बैंकें बेचनी हैं, जो प्राइवेट कंपनियां सीमेंटों की बिक रही है वो अपने लोगों को कैसे लाभ पहुंचाना है, और LIC प्राइवेटाइज होनी है, तो ये जो बड़ी बड़ी संस्थान है LIC का प्राइवेटाइजर होना, बैंकों का मर्ज होना और बैंकों का डूबना, और जिस तरीके से पूरा गेहूँ खरीदवा दिया कुछ व्यापारियों के हाथ में, अगर आप पूरे प्रदेश का गेहूँ देखेंगे तो 5-6 लोगों ने गेहूँ खरीद लिया और वो गेहूँ विदेश जा रहा था। 4,000 से ज़्यादा ट्रक केवल राजकोट में खड़े थे, गुजरात के जितने पोर्ट थे उसमें बड़े पैमाने पर उत्तर प्रदेश का और मध्य प्रदेश का गेहूँ रखा था। जब सरकार को पता लगा कि गेहूँ पहुँच गया है, केवल जनता को धोखा देने के लिए उस पर बैन लगा दिया कि विदेश गेहूँ नहीं जाएगा। और जैसे ही बनारस का मामला आगे बढ़ा, ताजमहल का आगे मामला बढ़ा, उन्होंने अनुमति दे दी अनाज विदेश चला जाएगा, गेहूं विदेश चला जाएगा। अब गांव में डुगडुगी चलवा रहे हैं कि जिसके पास ये सामान होगा, जिसके पास ट्रैक्टर होगा, जिसके पास AC होगा, उसको राशन का पैसा वापस करना पड़ेगा। ये गरीबों से भी मुनाफा कमाना चाहती है, जहां बड़े बड़े उद्योगपतियों को लाभ पहुँचा रही है वहीं ये गरीबों को दिए हुए राशन से भी मुनाफा कमाना चाहती है। जब गेहूँ खरीदा होगा FCI ने और जो गेहूँ बटा है उसकी कीमत कम रही होगी, आज 24 रुपये वसूलना चाहते हैं गरीबों से। और अब तो ऐसा लग रहा है BJP में वोट लेने के बाद ये गरीबों को पहचानती नहीं है सरकार, इसलिए ये जानबूझ करके डिवाइड एंड रूल, लोगों के बीच में नफरत फैलाना, लोग नौकरी रोजगार ना मांग लें, लोग महंगाई पर चर्चा ना कर लें, लोग ये ना चर्चा करने लगे कि बैंकें क्यों बिक रही हैं, लोग ये चर्चा ना करें कि एक ही उद्योगपति को सब कुछ देते जा रहे हो। जिस तरीके से वन नेशन वन राशन की बात कर रही थी भारतीय जनता पार्टी, ने इसके पीछे एक सिद्धांत पे काम करना शुरू किया है, एक देश और एक पूंजीपति। संवैधानिक संस्थाओं का भी मजाक उड़ाया को, हर चीज वो खराब लगती है जो संविधान से जुड़ी हो। जिस समय बैंकें डूब रही हैं जवाब नहीं उनके पास, बैंकें मर्ज हो रही हैं उसका कोई जवाब नहीं है,
पूरा देश जानता है गेहूं पर पाबंदी लग गई थी कि विदेश गेहूं नहीं जाएगा, लेकिन किसी को ये नहीं पता होगा कि यही बीजेपी ने अनुमति दे दी गेहूं जाने की। क्या बीजेपी के पास सवाल है कि राशन जो गरीबों से पैसा वसूला जाएगा उसका क्या जवाब है उनके पास? जो नौजवानों को नौकरी रोजगार देने की बात थी, 100 दिन में नौकरी रोजगार दे देंगे, उसका क्या है उनके पास जवाब? स्टील महंगी हो गई, चुपचाप, पता ही नहीं लगा किसी को। सीमेंट महंगा हो गया, किसी को नहीं पता लगा। सीमेंट की बड़ी बड़ी कंपनियां किसी को बिकवा दी, वो नहीं पता लगा। LIC बिकने जा रहा है, नहीं पता लग रहा है। इसलिए जानबूझ करके हमें और आपको उलझा रहे हैं, उलझाने के लिए मुद्दे उठाए जा रहे हैं। एक क्राइसिस इसलिए है कि बीजेपी ने कोई बिजली नहीं बनाई। जब बीजेपी बिजली नहीं बनाएगी और बिजली के क्षेत्र में जो काम करना चाहिए था, डिस्ट्रीब्यूशन में, ट्रांसमिशन में और जनरेशन में, जब नहीं काम करेंगे तो जनता ही से बिल वसूलेंगे, और जनता से बिल वसूलने के साथ साथ कटौती भी हो रही है। शायद इतनी कटौती कभी सरकार ने नहीं की होगी जितना भारतीय जनता पार्टी कर रही है। भारतीय पुरातत्व सर्वे के सारे पर सारी सिस्टम काम कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर ही इसी तरह का आपको सुनने को मिलेगा। RSS के एजेंडे में कि पूरे देश के 50,000 से अधिक ऐसे मस्जिद हैं जो पहले मंदिर थे, अब धीरे धीरे उनको तोड़े जाएंगे, ऐसा सुना है मैंने। आपने क्या सुना मुझे नहीं पता, लेकिन पूरा देश बिक जाएगा ये आपको बाद में पता लगेगा। बेरोजगारों का क्या होगा, आप उनकी आवाज उठाइए। हम लोग तो लगातार उठा रहे हैं, उसमें सहयोग आप भी करिए। आप बजट के दबाव में सच न छिप जाए आपके। सर, इस बार आप नेता प्रतिपक्ष हैं, आपको ऐसा क्या लगता है? क्योंकि सदन में सरकार को जवाब देना पड़ेगा। और देखिए, लीडर पोजीशन का क्या फायदा हुआ, सदन कितने दिन चल रहा है? अभी सुनने में आया कि केवल 9 दिन सदन चलेगा। अगर उत्तर प्रदेश जैसे बड़े प्रदेश की जनता के सवाल उठने हो, 9 दिन में क्या सवाल उठेंगे? क्योंकि इन्हें महंगाई का जवाब नहीं देना है। जिस तरीके से थाने अराजकता के केंद्र बन गए हैं, जिस तरीके से थानों में सेंसेक्स की तरह दलाली हो रही है, जैसे सेंसेक्स ऊपर जा रहा है वैसी दलाली बढ़ गई। और सिद्धार्थनगर आपका पड़ोसी जिला, पूरी कहानी नई बना दी पुलिस ने, जिसकी माँ मार दी गई हो गोली से। और क्या मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी अपनी माँ के साथ तस्वीर नहीं डालते सोशल मीडिया पे? और एक नौजवान को बचाने के लिए उसकी माँ आगे आई तो माँ को गोली मार दी, और उसमें भी कहानी बना दी। चंदौली में तो एक बेटी को मार मार के जान ले ली, यही गोरखपुर में पुलिस ने मार मार कर के व्यापारी की जान ले ली। और थाने में अभी बलात्कार हुआ, एसओ जेल में है, फेक इनकाउंटर्स में नंबर वन, कस्टोडियल डेथ में नंबर वन यूपी, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन में नंबर वन, और जितने भी आंकड़े देखोगे सब में आपका उत्तर प्रदेश पीछे दिखाई दे रहा है। आपको क्या लगता है कि बाबा का बुलडोजर अराजकता फैला रहा है या अराजक तत्वों को रोक रहा है? बुलंदशहर में एक पत्नी अपने पति को जगाने जाना चाहती थी, वो पत्नी अपने पति को नहीं जगा पाई, बुलडोजर ने आगे काम किया, उसके पति की जान चली गई, पति की जान चली गई। एक मजदूर अपने घर से सब्जी बेचने बाजार गया, जब घर लौटा तो पता लगा बुलडोजर से उसका घर गिर गया। अगर सरकार बुलडोजर से घर गिरा रही है तो मुख्यमंत्री जी ने कल ही एक उद्घाटन किया है कैंसर इंस्टीट्यूट, वो इल्लीगल है, क्या उस पर बुलडोजर चलाएगी सरकार? मुख्यमंत्री जी ने जिस अस्पताल का उद्घाटन किया वो इल्लीगल है, क्या उस पर बुलडोजर चलेगा? जिस थाने में बेटी का बलात्कार हुआ क्या उसमें बुलडोजर चलेगा? जो थाने चौकी बने हैं क्या कभी वो नंबर में है? हम भी यही तो चाहते हैं कि जहाँ पर बलात्कार हो जाए उसमें तो बुलडोजर चल जाना चाहिए। और आप चुनाव के बाद कार्यकर्ताओं को लगातार जो है पुलिस जो है मुकदमा करके जेल डाली है, उस पर पार्टी क्या कर रही है? लगातार पार्टी लड़ रही है। ये सरकार हर मुद्दे में फेल है, माना जाए आप कहते हैं ऐसा, कुछ नहीं, राज्यपाल से सरकार को हटाने की मांग कर रहे हैं। तुम भी कैसे पत्रकार हो? ट्रेनी पत्रकार है लेकिन जवाब दे रहे हैं। राज्यपाल भी उन्हीं का है, याद कीजिए, एक राज्यपाल वो थे जो ये बताते थे किस जाति के कितने अधिकारी उत्तर प्रदेश में हैं। और आज राज्यपाल क्या हैं? क्या उस समय के राज्यपाल अगर गिनती कर सकते थे अधिकारियों की जात के हिसाब से, तो आज के राज्यपाल क्या जाति के आधार पर गिनती नहीं करेंगे? तो वो राज्यपाल अलग थे कि ये राज्यपाल अलग है। टीम टॉप स्टोरी न्यूज।